बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए तो पंजाबी दी खबरां दे नाल मैं अनादिया राजपूत। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो दे पहले सीजन दा इख्तिताम हो गया। साबिक इंग्लिश कप्तान ते कमेंटेटर माइकल वॉन T20 वर्ल्ड कप 2024 च अपनी मजबूत बैटिंग लाइन दी फहरिस्त जारी कर दिती। साबिक वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ते लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी दे दरमियान तल्ख कलामी हो गई। नैटफ्लिक्स के शोरा आफाक कॉमेडियन प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के पहले सीजन का अख्ताम हो गया। शो च शरीक नामवर अदाकारा अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी शेयर करद हो सीजन के खत्म होने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया तो गुफ्तगु करद हो अदाकारा का कहना है कि उन्होंने टीम ने द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के पहले सीजन की आखिरी किस्त रिकॉर्ड करा दिता। कॉमेडी का यह सफर बहु शानदार से। लेजेंडरी कॉमेडियन कपिल शर्मा शो की मेजबानी च नवें शो का आगाज 3 मार्च 2024 नूं होया सी ते 2 माह के अंदर इस दे पहले सीजन का इख्तिताम हो गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो च हुण तक रणबीर कपूर, नीतू कपूर, रोहित शर्मा, दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा, इम्तियाज अली, विक्की कौशल ते लेजेंडरी आमिर खान ने शिरकत की है। साबिक इंग्लिश कप्तान ते कमेंटेटर माइकल वॉन T20 वर्ल्ड कप 2024 च अपनी मजबूत बैटिंग लाइन की फहरिस्त जारी कर दिती। समाजी राबते की साइट एक्स ट्विटर से ट्वीट करद हो साबिक क्रिकेटर ते कमेंटेटर माइकल वॉन ने अपनी मजबूत बैटिंग लाइन की फहरिस्त वैसट इंडीज़ नू पहले, आस्ट्रेलिया नू दूजे, जनूबी अफ्रीका नू तीजे, इंग्लैंड नू चौथे, न्यूजीलैंड नू पंजवें, भारत नू छठे ते पाकिस्तान नू सत्तवें यानी आखिरी नंबर ते रखिया। उन्होंने कहा कि IPL 225 का हदफ भी हासिल होंदे वेख्या है। रवां वर्ल्ड कप एडिशन जिथे ज़्यादातर स्कोर 175 है उत्थे उपरी नंबरस खेडण वाले पावर हिटर्स आम किरदार अदा करनगे ते ओ 4 टीमां मैगा इवेंट दे टॉप 4 लई क्वालीफाई करदियां नज़र आणगियां। कबल अजीम माइकल वॉन ने T20 वर्ल्ड कप 2024 अपनी टॉप 4 टीमां दा जिक्र करदियां होईयां मेज़बान वैसट इंडीज़, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका ते आस्ट्रेलिया नू सैमीफाइनल खेडण दा मजबूत दावेदार करार दिता सी ते पेशगोई कीती सी कि पाकिस्तान ते भारत दीआं टीमां रवां T20 वर्ल्ड कप एडिशन च सैमीफाइनल दी रेस तों बाहर हो जाणगीआं। साबिक वज़ीरे आज़म अनवार उल हक काकड़ ते लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी दे दरमियान तल्ख कलामी हो गई। इस दौरान अनवार उल हक काकड़ ने धमकी देंदिआं होईआं कहा कि अगर मैं फार्म 47 दी गल कीती ते नून लीग मूँह नहीं छुपा सकेगी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीरे आज़म अनवार उल हक काकड़ ते हनीफ अब्बासी दे माबैन गंदम स्कैंडल ते तल्ख कलामी गुज़श्ता शब निजी होटल च होई ते जिसते हनीफ अब्बासी ने कहा मैं प्रोग्राम विच हक बयान किया। इस दे जवाब विच अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि अगर मैं फार्म 47 दी गल कीती ते तुसी ते नून लीग मूँह छुपादे फिरोगे। इस वाक्य तो मुतलक साबिक निगरान वज़ीरे आज़म अनवार उल हक काकड़ का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता राती मुस्लिम लीग नून दे रहनुमा हनीफ अब्बासी तो गिला किया कि उन्होंने एक TV शो इच गंदम खरीदारी ना होने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत ते पा दी जिहड़ी अकायद के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अनवार उल हक काकड़ का कहना है कि मीडिया इच इस गल नू गलत अंदाज इच ते तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा जिहड़ी हकायक के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी पार्लीमान च उन्होंने साथी ने अज भी उन्होंने तो फोन पर गल हुई है। साबिक वज़ीरे आज़म कहते हैं कि हनीफ अब्बासी के नाल तल्ख कलामी की खबरों सदाकत नहीं है। देसी टीवी USA तो फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के अपडेट्स लिए वेखते रहो देसी टीवी USA, DTV NN ते साडा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix जिथे 3000 तो ज्यादा चैनल्स नू वेख्या जा सकता है। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/ramadan.